बिसम रखमर रहीम अलैक्म स्टैंड हाउ आर यू आई हप ऑल ऑफ यू वेल ओपन योर बुक जोग्राफी क्लास सिक्स एंड चैप्टर नंबर टू ग्लोब मैप एंड देर यूज अब हम ग्लोब मैप और उसके इस्तेमाल के बारे में पढ़ते हैं ठीक है सो मैप जो है वो हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे लगता है तो उसके ही हम एडवांटेजेस भी मैप के पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव पर डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ द मैप ठीक है आज हम कॉपीज़ पे वर्क इसका करेंगे सही है सो एडवांटेजेस ऑफ मैप एडवांटेजेस मीन फायदा देना ठीक है उर्दू तो में अगर उसका मतलब देखें तो है एडवांटेजेस का फ़ायदा देना तो मैप हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है तो हम वो देखते हैं सही है अब आप आपके माइंड में यकीन ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ मैप सो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं ओपन योर बुक पेज नंबर ट्वेंटी नाइन आपके यहाँ पे यूजेस ऑफ मैप्स लिखे हुए यूजेस ऑफ मैप इज़ आल्सो का द एडवांटेजेस ऑफ मैप ठीक है यानी इस मैप्स का जो इस्तेमाल है अगर वो यूजफुल होगा तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो कोई ना कोई फ़ायदा देगा तो यही आपके एडवांटेजेस हैं ठीक है पेज नंबर ट्वेंटी नाइन पर आपने देख सकते हो पेज नंबर ट्वेंटी है और इसके जो आपकी टेन है ठीक है आपकी टेन लिखे हुए हैं बट आपने याद करनी है फाइव आज के लिए ठीक है यानी आज का जो आपका वर्क होगा काम होगा वो आपके फाइव होंगे और इस तरीके से आपने फाइव याद भी करने है सही और नेक्स्ट फाइव हम कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे और उन्हें याद करेंगे ठीक है सो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है यूज़ ऑफ मैप्स के लिहाज से आज के लिए जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ फाइव हैं सबसे पहले मैप टेल अस वेयर वी लिव ऑन अर्थ मैप हमें बताता है कि हम ज़मीन पे कहाँ रहते हैं ठीक है यानी मतलब अगर हमें किसी जगह की लोकेशन मालूम करनी होती है लोकेशन जगह को कहते हैं जगह को मालूम करना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं मैप uh, को सर्च करते हैं चाहे वो आप मोबाइल पर भी सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर पर भी सर्च कर सकते हैं इसी तरीके से आप जो है वो एटलस की बुक मिलती है जिसमें मैप्स बुक्स ऑफ मैप्स होते हैं ठीक है आप देख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ मैप्स इन शेप ऑफ बुक इस कार्ड एटलस तो इस एटलस की बुक में भी आप अपनी जगह तलाश कर सकते हैं कि आप कौन सी कंट्री में रहते हैं कौन सी सिटी में रहते हैं ये भी आप वहाँ पे रिसर्च कर सकते हो ठीक है इसी तरीके से अगर पर्स करें आपने जो है आ, पाकिस्तान के किसी भी शहर का मालूम करना है लाहौर कराची हैदराबाद और हैदराबाद इवन के वहाँ के जो सिटीज़ हैं और मेन एरियाज हैं वहाँ के भी आप स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी मालूम कर सकते हैं मैप के ज़रिए से सो so, सेकंड है मैप टेल एस अबाउट डायरेक्शंस मैप ऑटोमेटिकली हमें डायरेक्शंस बताता है के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में हमें डायरेक्शन ज़रूर इंडिकेट करता है ठीक है कि हमने कौन से सिम में जाना है ईस्ट में जाना है वेस्ट में जाना है साउथ में या ईस्ट में ठीक है जिस जगह पे भी वो हमें डायरेक्शंस भी बताता है यानी सिमटे बताता है कि किस सिम जाना है नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट वी नीड अ मैप टूरिज्म टूरिज्म कहते हैं स्याहत को यानी लोग बाहर से आते हैं और वो मुल्क के अंदर जो ट्रैवल करते हैं मुल्क को किसी भी मुल्क को देखते हैं वो टूरिस्ट कहलाते हैं यानी मतलब टूरिज्म होती है सियाहत यानी मतलब लोग बाहर से आके सियाह यहां पे रहते हैं और वहाँ यहाँ पर आके जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ की सैर करते हैं मुख्तल जगहों की और इस तरह से वो पिक्चर्स भी लेते हैं यहाँ पे अपने इन्वेस्ट भी पैसा करते हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल क्या है मैप मैप के जरिए से वो किसी भी जगह पे इजिली जा सकते हैं नेक्स्ट है द स्केल ऑफ आ मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ग्राउंड डिस्टेंस अच्छा स्केल ऑफ मैप जो होता है जिस तरह से अगर आप अपना स्केल उठाओ जो फुट होता है हमारा जो जिसके अंदर नंबरिंग होती है वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर आपकी नंबरिंग वहाँ पे लिखी भी होती है कभी कभी वो मीटर्स में भी होती है और इस तरीके से कुछ फूड्स में फुट के लिहाज से भी होती है ठीक है सो so, अगर आप लोग वो फूड उठाएं तो सेम कंडीशन हमारे मैप के ऊपर भी होती है मैप क्योंकि दुनिया का पूरा बहुत बड़ा मैप हम पूरी दुनिया का भी बना सकते हैं लेकिन इतनी बड़ी दुनिया का मैप अगर हमने बना लिया तो किलोमीटर डिस्टेंस और फाइव टेन मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर अगर हमने मैप बना लिया तो उसको कौन उठा के फिरेगा और उसको कैसे फिलाएंगे तो इसके लिए क्या किया है जोग्राफियर्स ने यानी जो जोग्राफिक दान हैं जो यानी मतलब मैप के मैप को पढ़ने वाले हैं उनने क्या किया इसके लिए इसके लिए एक स्केल बना दिया जिसके अंदर उन्होंने सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर को हंड्रेड मीटर और इस तरीके से हम जानते हैं कि वन मीटर जो वन uh, मीटर ठीक है और डिफरेंट चीज़ों से उन्होंने रिप्रेजेंट uh, कर दिया कि इतना मीटर होगा तो इतना किलोमीटर होगा इसी तरीके से ये हेल्पफुल हुआ क्योंकि हम फिर उसको uh, पैमाने से नाप सकते हैं ठीक है यह स्केल होता है पैमाना यानी uh, हमने एक uh, चार्ट बना लिया जिसके अंदर हमने देख लिया कि ये हमारा मैप है और मैप के अंदर हमने वन सेंटीमीटर लिखा तो इसका मतलब हमने ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस देना है हंड्रेड मीटर या टू हंड्रेड मीटर या फोर हंड्रेड मीटर जैसे भी आप कंसीडर करना चाहें नेक्स्ट स्टेप फाइव नंबर फाइव है मैप हेल्प एस इन टच विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हमें मैप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के किसी भी हिस्से को हमने सर्च करना है तो हम मैप से सर्च कर सकते हैं ठीक है थीके? ये फाइव पॉइंट्स आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं ठीक है थीके? और नेक्स्ट फाइव पॉइंट्स हम कल पढ़ेंगे और वो हम अपनी कॉपीज़ पे राइट भी कर लेंगे और याद भी कर लेंगे सो so, ये कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपके लिए सर्च की हैं तो मैप टैलर्स अबाउट ड्रेक्श डेक्शन्स मैप tells अबाउट where वी लिव मैप हमें बताता है कि हम कहाँ रहते हैं तो इसके लिए हमें मैप को सर्च करना पड़ता है मैप tells अबाउट directions मीन्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमें डायरेक्शन के बारे में पता चलता है मैप के ज़रिए से नेक्स्ट देखिए मैप फॉर टूरिस्ट गाइड यानी मतलब सियाहत के जो लोग हैं उनके लिए भी मैप सर्च करते हैं और वो इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स बना लेते हैं और ये पॉइंट्स उनके लिए हेल्पफुल होते हैं नेक्स्ट देखें यूजिंग ऑफ मैप स्केल स्केल भी मैप के लिए यूज़ होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केल का यूज़ होता है नेक्स्ट मैप हम डिफरेंट कंट्रीज़ या वर्ल्ड मैप यूज़ करते हैं कि हमने अगर किसी भी कंट्री के मुख्तु पार्ट्स देखने होते हैं तो हम मैप के अंदर सर्च कर लेते हैं सही सेम आज का आपका यही काम है आज आपने फाइव पॉइंट्स अपने कॉपीज पर लिखने हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इन शह आपको ये समझ आगे होगी वी कैन कम्प्लीट दैट क्वेश्चन हाफ क्वेश्चन ठीक है एडवांटेज ऑफ मैप सो ट्वेंटी सेवन फोर ट्वेंटी वन आज की डेट लिखे हैं होमवर्क एंड ट्यूजडे सो फिर नंबर टू पेज नंबर थर्टी टू उन्होंने नेम हम ऑलरेडी पहले दे चुके हैं तो इसलिए दोबारा नेम देखने की जरूरत नहीं है डिस्क्राइब एडवांटेजेस ऑफ मैप्स एडवांटेजेस ऑफ मैप्स नंबर वन मैपटेल्स वेयर वी लिव ऑन अर्थ हम जमीन के किस हिस्से पर रहते हैं हमें मैप बता सकता है सेकेंड मैप मैपटेल्स अबाउट डायरेक्शन मैप हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है सिमटों के बारे में बताता है जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ भी बताते हैं नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ इसी तरीके से साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट यानी डायरेक्शंस की जो सेकेंडरी प्राइमरी डायरेक्श प्राइमरी या सेकेंडरी डायरेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें ईजीली दे सकता है ठीक है नेक्स्ट वी नीड अ मैप फॉर टूरिज्म हमें टूरिज्म के लिए भी जो है वो मैप यूज होती है द स्केल मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ग्राउंड डिस्टेंस ग्राउंड में जितना डिस्टेंस होता है वो भी हम स्केल के जरिए से मैप पर बना सकते हैं नंबर पे मैप हेल्प मैप कीप अस इन टच विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मैप हमें डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में भी बताता है आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन राइट एटलीस्ट फाइव पॉइंट्स ठीक है टुडे कल हम इन ताला कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट फाइव पॉइंट्स ओके अल्लाह हाफि